जय सियाराम भगत लोगों। लंका विजय के बाद प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी की पुष्पक विमान के माध्यम से हुई अयोध्या में वापसी। वापसी के साथ मना उत्सव, चहुं ओर दिए जले, दिन कहलाया दीपावली। उम्मीद है इस कथा के श्रवण से आपके मन में राम का आगमन हुआ होगा और ज्ञान के दीप जले होंगे। आशा है इस कथा को सुनते सुनाते आपके जीवन की व्यथा मिटती रही। इस राम कथा के हर अध्याय में हमने सीखा एक सबक। पहले में भ्रम करना गलत है, दूसरे में भाई बहन जीवन को क्या बना सकते हैं, तीसरे में अभिमान आपको क्या बना सकता है। और ऐसे ही इन 10 अध्यायों के क्रम के बाद हमने सीखी सबसे बड़ी बात कि श्री राम के सुमिरन, उनकी कथा में छुपा है हर व्यथा का हल। हर अध्याय है एक उपाय जिसके आधार थे रघुराय। यह राम कथा कही है हमारी मंडली ने राम के प्रति अपार श्रद्धा, आदर और प्रेम रख के। राम सिखाते हैं गलतियों पर क्षमा करना। आपने राम कथा के अध्ययन से यह भी सीखा ही होगा, अगर हमसे कोई त्रुटि हुई हो तो राम के पथ पर चलकर क्षमाशील होकर हमें क्षमा करें। और राम की इस कथा से प्रेरणा लेकर नैतिकता, अच्छाई, सत्यता, भाईचारे और परमार्थ का पाठ लेकर अपने मन में ही राम राज्य स्थापित करें और प्रण ले आसपास के लोगों के प्रति प्रेम और सेवा भाव रखने का। धर्म, जाति, कुल, वर्ण, रंग भेद से होकर परे राम राज के लिए राम काज करें। बोलो जय सियाराम, सियावर रामचंद्र की जय। तो ये थी कविता के रूप में एक ऐसी राम कथा जो सुलझाती है आप सबके मन की व्यथा। इसे आपके लिए साथ मिलकर लाए थे आपके अपने कुकु FM और M&M टॉकीज। कुकु FM, सुने जो मन चाहे। सियाराम मन को मगन करे राम कथा, आओ श्रवण करे राम कथा। ये कथा मिटा रही आपकी व्यथा, ये कथा दिखा रही नेक रास्ता। सुनो सुनो राम कथा, सियाराम सियाराम। सुनो सुनो राम कथा, सियाराम सियाराम। राम को नमन करे, राम का भजन करे राम कथा। सुनो 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 सुनो, सुनो।